हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिड ईस्ट मेडल वर्सेस करवान सीसी के बीच में होने वाला 19 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, अगर लीग की बात करें, लीग का नाम है ICC एकेडमी समर कप T20 का लीग है, और यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें 9:30 बजे रात को खेला जाएंगे। पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज स्कोर 160 से 170 रन तक बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर वेन्यू की बात करें दोस्तों, टॉलरेंस होवेल अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएंगे। अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें, यहाँ पर मिड ईस्ट मेडल्स ने 3 में से 2 मैच हार गए दोस्तों, 1 मैच जीते हैं। और करवान क्रिकेट क्लब की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हार गए। तो यहाँ पर अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें, यही यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिड ईस्ट मेडल्स ने 3 में से 1 मैच जीते हैं, 2 मैच हार के 4th पोजीशन पर। और करवान क्रिकेट क्लब की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 में से 1 मैच जीते हैं, 1 मैच हार के 5th पोजीशन पर। तो दोस्तों, इसका मतलब है ये जो टीम है दोस्तों, 4th पोजीशन वर्सेस 5th पोजीशन के बीच में मैच होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दोनों टीम के प्लेयर्स के स्टार्ट दूंगा। यहाँ पर मिड ईस्ट मेडल्स के लिए आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पर आपको कौन नजर आएंगे, बेंच प्लेयर कौन होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, करवान क्रिकेट क्लब के लिए विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स पे किसको पिक करेंगे, तो एक बेहतरीन टीम बनेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं दोस्तों। इसके साथ साथ मैं कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हूं दोस्तों, एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो 50,000 की फ्री एंट्री है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर उसके बाद डबल विनिंग भी स्पॉट्स है, वो भी यहां पर मैंने दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे ही देने वाला। अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम पे जाके @शत्रुघ्न, मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, यहाँ पर SHTRUGHAN शत्रुघ्न मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसका बाद 225 इस प्रकार आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो मेरा चैनल हो जाएगा। आप देख सकते हो 1100 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कुछ यूजर्स हैं मेरे नाम पे फेक चैनल बना रहे हैं, उससे आप दूर रहिएगा दोस्तों। जो मेन मोटो है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फाइनल टीम यहाँ पर अच्छे देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको परफेक्ट प्लेइंग 11, परफेक्ट फाइनल टीम यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए, अब लेट नहीं करेंगे, सारे प्लेयर्स के स्टैट्स पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद दोस्तों एक बेहतरीन फाइनल टीम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर अतिकुर रहमान है, मिड ईस्ट मेडल्स के लिए खेलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सीजन में, अगर 3 मैच में 57 रन बनाए, लास्ट मैच में 43 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैट्समैन अवियश नूर है दोस्तों, यहाँ पर 3 मैच में 47 रन बनाए इस सीजन में। अगर लास्ट मैच पर बात करें दोस्तों, 27 रन इनके पास है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं इनको। इरफान अशरफ की बात करें, सीजन में 3 मैच में 58 रन बनाए और लास्ट मैच में 30 रन बनाए दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्लेयर को मैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर। फाइजन अवन की बात करें, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट मैच में 4 रन बनाए। अगर ओवरऑल देखा जाए इस सीजन में 3 मैच में 47 रन है। उसके बाद मोहम्मद नोमान ने लास्ट मैच पे 12 रन बनाए, तो 3 मैच में 75 रन हुआ दोस्तों यहाँ पर पूरे। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको मोहम्मद नोमान को यहाँ पर मैं पिक करने के लिए बोलूँगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं लेने के लिए बोलूँगा इरफान अशरफ, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ दोस्तों अवियश नूर भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप इनको जरूर टीम में ले लीजिएगा। उसके बाद ऑलराउंडर्स पर दोस्तों, यहाँ पर मनल सिद्दीकी है, यहाँ पर लास्ट मैच में अगर बात करें 40 रन बनाए, गेंदबाजी तो नहीं किए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों सीजन में 3 मैच में 136 रन, 3 विकेट है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अली अनवर की बात करें, लास्ट मैच में 8 रन, 1 विकेट है, और अगर ओवरऑल बात करें 3 मैच में 44 रन, 2 विकेट है। उसके बाद तहरान खान है दोस्तों, लास्ट मैच में 3 विकेट ने, अगर ओवरऑल बात करें 3 मैच में 7 रन, 6 विकेट है। तो यहाँ पर आपको मैं मनल सिद्दीकी को लेने के लिए पिक करूंगा, उसके साथ साथ दोस्तों तहरान खान एक अच्छा पिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों अली अनवर को मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस मैच के लिए। अगर गेंदबाजी में बात करें, खुर्रम ख्वाजा है दोस्तों, लास्ट मैच में 15 रन 2 विकेट लिए, लेकिन लास्ट मैच अगर 15 रन 2 विकेट है, लेकिन ओवरऑल बात करें 3 मैच में 17 रन 3 विकेट है दोस्तों इनके पास। बसित अली की बात करें, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए, अगर ओवरऑल बात करें सीजन में 3 मैच में 4 विकेट इनके पास है। मोहम्मद खैसर की बात करें, लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन 2 मैच में 1 रन 1 विकेट इनके पास है। मोहम्मद आसिफ की बात करें, अभी तक तो नहीं खेले दोस्तों, 92 मैच में 516 रन 15 विकेट है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड खुर्रम ख्वाजा और बसित अली के, इन दोनों को आप अपने टीम में कन्फर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बेंच प्लेयर्स हैं, अगर इन तीनों में कोई भी खेलेंगे तो दोस्तों आपको स्टैट्स में, सॉरी दो प्लेयर्स में कोई भी खेलेंगे दोस्तों, तो इनका स्टैट्स में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब इसी प्रकार हम लोग जानेंगे दोस्तों करवान क्रिकेट क्लब की। तो करवान क्रिकेट क्लब की बात करें, विकेट कीपिंग पे आपको दोस्तों फुरकान कलील है, लास्ट मैच में तो नहीं खेले दोस्तों, यहाँ पर 16 रन बनाए। और यहाँ पर मोजम हायत की बात करें दोस्तों, 66 रन बनाए, यहाँ पर 2 मैच में पूरे कुल मिला के 73 रन है। तो मोजम हायत और यहाँ पर दोस्तों
मिडिस्ट मेडल्स के विकेट कीपर, इन दोनों में आप एक को ले सकते हैं, तो दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हो। और बैट्समैन में आते हैं दोस्तों रमीज सहजादे, लास्ट मैच में 52 रन बनाए, फर्स्ट मैच में 44 बनाए, तो दो मैच में 96 रन है, तो एक इंपॉर्टेंट पिक जरूर रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। कमार अमन लास्ट मैच में 22 रन 0 विकेट है, अगर ओवरऑल बात करें दो मैच में 38 रन 0 विकेट है दोस्तों इनके पास। अली खान की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 64 मैच में 650 रन 11 विकेट है। दाऊद इजाज अभी तक नहीं खेले दोस्तों, 8 मैच में 115 रन 0 विकेट है, तो यहाँ पर दोनों अभी तक तो नहीं खेले लेकिन इनके ओवरऑल स्टैट्स आप देख लीजिए। लेकिन जहीद अली की बात करें लास्ट मैच में 2 विकेट है, तो पूरे कुल मिला के दो मैच में 5 विकेट है 0 रन बनाए दोस्तों एक मैच में, तो दो मैच में 5 विकेट है दोस्तों यहाँ पर। लवप्रीत सिंह यहाँ पर एक्सपीरियंस है लेकिन इनका साथ नहीं दे रहे, दो मैच में एक ही रन बना पाए, तो यहाँ पर आपको मैं जहीद अली को पिक करने के लिए बोलूंगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपको मैं रमीज शहजादे को भी पिक करने के लिए बोलूंगा, कमर अवान भी एक अच्छा प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे बात करें, तारिक मोहम्मद है, यहाँ पर अभी तक तो नहीं खेले, एक मैच में 2 विकेट है। सरदार बहजाद की बात करें यहाँ पर ये गेंदबाजी नहीं कर रहे दोस्तों, ओनली बैटिंग है, लास्ट मैच में 29 रन बनाए, तो दो मैच में 63 रन हुआ दोस्तों यहाँ पर। नादिर हुसैन की बात करें लास्ट मैच में 2 विकेट है, तो कुल मिला के दोस्तों दो मैच में 2 रन और 3 विकेट इनके पास है। वकास जट की बात करें दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट मैच में 1 रन 3 विकेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आसिफ हयात की बात करें, नॉट प्ले 0 विकेट है, तो आप इनको कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको किस किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो यहाँ पर सरदार बहजाद एक अच्छा प्लेयर है, नादिर हुसैन को भी आप अपने टीम में जरूर कंफर्म कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। वकास जट लास्ट मैच में कमबैक किए हैं और यहाँ पर 3 विकेट लिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों बॉलर्स अच्छे हैं, इन तीनों को पिक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सारे प्लेयर्स की स्टार्ट सब कुछ देखने के बाद दोस्तों अब हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे, तो एक परफेक्ट फाइनल टीम एक बार देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो टीम बनाने से पहले एक बार देख लीजिए, विकेट कीपिंग पर आतिकुर रहमान और यहाँ पर एम हयात दोनों को पिक करूंगा। रमीज शहजादे, अवियश नूर है दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पर जाहिद अली है, इन तीनों को पिक करूंगा। नौमान भी एक अच्छा पिक रहने वाला है। यहाँ पर सिद्दीकी है दोस्तों यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप अली अनवर है, अली अनवर को मैं नहीं लेना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तहरान खान को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। उसके बाद गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर के खुर्रम खवाजे एक अच्छा पिक रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बसित अली हैं, दोनों को आप ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बाबर इकबाल है, अहमद प्रिया, यू रहमान है, तो यहाँ पर बाबर इकबाल को ले लीजिए क्योंकि इनकी क्रेडिट अच्छा है, लेकिन अभी तक बड़ा खास अभी तक यहाँ पर लिए नहीं किया दोस्तों दो मैच में, लेकिन ये मैच में उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एम सिद्दीकी एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, और वाइस कैप्टन पे दोस्तों यहाँ पर तो रमीज शहजादे को पिक कर लीजिए क्योंकि एक अच्छा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों टीम की यहाँ पर टीम एक बार अच्छे से देख लीजिए, दो विकेट कीपर, 4 बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज। तो दोस्तों ये जो टीम है पहले इस टीम को आप सेव करके रख लीजिएगा, फाइनल टीम जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया, एक बार जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सबको दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना क्योंकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।